मेरे मन में विचार आया था। पहले तो मैं ये बताऊं कि हम लोगों की जो कल की वार्ता थी वो आज अपलोड हो गई है, शायद आपने सुना होगा। हाँ, अच्छा और मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि बोलिए। हम क्या थोड़े से और ऑर्गेनाइज होके काम करेंगे तो फायदा होगा। जैसे मेरा मानना ये है कि हमने जितने लोगों को आइडेंटिफाई किया है उनमें से हमें कौन से लोग लग रहे हैं कि जो कि चंद्रगुप्त की पात्रता रखते हैं, और फिर उनको जो है जैसे हनुमान को शक्ति का एहसास दिलाया जाता है, ऐसे ही उनको उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा, छिपी हुई शक्ति का एहसास दिला के उन्हें चंद्रगुप्त के पद पर अग्रसर करके प्रतिदिन उनको जो भी कार्य क्षेत्र और एक सूची बना के संगोष्ठी करें और मोहल्ले मोहल्ले में जाके बैठे, उनसे बातचीत करें और जो अपना मॉडल है उसके हिसाब से लोगों को ऊर्जाकृत करें, संकल्पित करें, शपथकृत करें, उसके ऑडियो वीडियो बनाएं और उनको जो है अपन अपने ही उसमें अपलोड करें। कहीं दिक्कत है तो टेलीग्राम से मुझसे शेयर कर लिया जाए, हम उसे अपलोड कर देंगे। तो मुझे जी लगता है कि हम बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से पूरे जहां जहां पे भी हम लोगों का वो है वहां पे हम काम कर पाएंगे और हम अपने लोगों को चंद्रगुप्त बनने का अवसर भी देंगे। तो जिनमें मादा है, देश के प्रति संकल्प है, देश प्रेम है, वो जो है इस प्रक्रिया में आगे निकल के खुद को चंद्रगुप्त स्थापित कर पाएंगे। क्योंकि चंद्रगुप्त तो जब चुनाव घोषित होगा उस नोटिफिकेशन के दिन जो है ऊपर के 543 लोग चंद्रगुप्त घोषित होंगे, ठीक है ना। तो लेकिन हम उनको इस कार्रवाई में मदद कर सकते हैं, एक पूरा जो सिस्टम बनाया है उस सिस्टम का वो लाभ लेते हुए और बड़े पारदर्शी तरीके से वो अपने आप अपनी कार्रवाई को दूसरों के परिपेक्ष में देख भी पाएंगे कि वेयर दे आर स्टैंडिंग विज अदर्स, तो दूसरे की तुलना में उनका मेहनत कितना रंग ला रही है और वो 574 में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, वो इस चीज को रोज देख पाएंगे, रोज उसका सर्टिफिकेट भी उनको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि शायद एनर्जी का लेवल थोड़ा सा भिन्न रहेगा। तो मुझे लगा कि ये बात आपके आपसे शेयर की जाए, आपसे चर्चा की जाए, और यदि कुछ फाइनलाइज इस तरीके का हो सकता है तो बहुत अच्छा होगा। होगा। अभी ये जो आपके इधर मेरा कोई भाई जो प्रोग्राम लेके जा रहा है ना, हाँ, उसको एक बार आप अटेंड कर लीजिए, फिर उसके बाद जब चर्चा करेंगे ना तो कुछ आपको और ज्यादा, क्योंकि अभी ये तो जो नमूना आप देखेंगे वहां पे वो 10% है, नहीं, 90% आप पूरे किसकी बात देश कर में रहे है। हैं? जो आनंद मिश्रा जी ने बातचीत की है उसकी बात कर रहे हैं? आनंद जी ने क्या कहा आपसे, मुझे मालूम आनंद जी नहीं। ने ये कहा कि 5 तारीख को जो है वो कुछ आयोजन कर रहे हैं और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि हम मोबाइल के माध्यम से ही, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही जुड़ जाएं और अपनी बात रखें। तो वो कुछ आयोजन उन्होंने 5 का रखा है, अच्छा वो हाँ, वो उनका, बाराबंकी में कोई प्रोग्राम रखा है उन्होंने। हाँ, और उसमें वो उन्होंने ये कहा है कि आपको भौतिक रूप से की बजाय आप अपने मोबाइल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ जाइए। तो हाँ हाँ उन्होंने हो उसका सकता प्रोजेक्टर वगैरह की कुछ व्यवस्था उन्होंने की हुई है, तो है। अच्छा वो उस तरीके से। क्योंकि देखिए, हम लोगों को यदि हम इस तरीके से लोगों को यदि पहले से चंद्रगुप्त के रूप में अपने आकलन के हिसाब से यदि हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हें चंद्रगुप्त बनने के लिए यदि हम प्रेरित कर पाएंगे, यदि हम उन्हें उनकी शक्ति, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल पावर, उनकी देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति जो है ना उनका डेडिकेशन, यदि हम उसका एहसास दिला के उनको यदि उस पथ पर निकाल पाएंगे तो वो इन आज के क्षुद्र राजनेताओं से तो बहुत बेहतर होंगे ना। तो हमें एक डेडिकेटेड लोग मिलेंगे। अभी अभी क्या है कि जो भी कर रहे हैं वो हमें, जो भी चंद्रगुप्त बन के उभरेंगे वो एक्सीडेंटल चंद्रगुप्त बनेंगे। एक्सीडेंटल चंद्रगुप्त की बजाय डेडिकेटेड चंद्रगुप्त एक्सीडेंटल चंद्रगुप्त से ज्यादा बेहतर होंगे। हम आपको 50 करोड़ जो है अपन अपन फॉलोअर, अपन उसकी बात, 50 करोड़ नहीं, हम आपको 50 करोड़ फॉलोअर दे रहे हैं और उसको आप आपको देखिए मेंटेन करना है। हाँ देखिए हम आपको उल्टा कह रहे हैं। देखिए, फॉलोअर तो अपने आप आ जाएंगे। आप चंद्रगुप्ती, अब हनुमान को जो है ना आइडेंटिफाई करिए अपनी सेना में,
और नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ये जो हमारे 50 करोड़ है ना, 50 करोड़ हमारे कम से कम 10 से 15 जगह है, नहीं तो तो उस जो 10-15 जगह को एक जगह करके, जैसे देखिए वो लोग का प्लान आत्मिक कल्याण है, समाज कल्याण है, हर तरह के कार्य लोग लेके चल रहे हैं। कोई सुभाष चंद्र आजाद हिंद फौज की टीम बना के चल रहा है, तो कोई सुभाष चंद्र बोस बन के चल रहा है, कई तरह की टीम हमारी काम कर रही है। जी जी तो उसमें सबको जो है एक टीम में करके, जो आपका प्लान है ना कि भारत में भ्रष्टाचार मुक्त करने का जो प्लान आपने जो सपना देखा है, उस सपने को साकार करने के लिए हम खुद आपको ये चाहते हैं कि आप खुद आगे बढ़ करके, हम आपको आगे रखेंगे, हम आपके साथ में रहेंगे और आपका ही चेहरा बता करके आपके थ्रू ही पूरी मिशन को मतलब फाइनलाइज कर देंगे। ठीक आपको आप ही पूरे गाइडलाइंस में सब जगह आप ही रहो, आप ही का चेहरा मास्टरमाइंड सब कुछ। हम जो कुछ भी कहेंगे भाई, मैथिली शरण जी जो कह रहे हैं उसको समझो। और जो भी देखिए क्या है ना कि जैसे सामने वाला कोई भी हो, उसमें दो बातें होती है, या तो मैं उसका बन जाऊं या मैं उसे अपना बना लूं। तो दो तरह, ये दोनों दो फॉर्मूले में एक देखो ही बात होती है, दोनों एक ही बात है, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों एक ही बात वो है। दोनों एक ही हो रहे हैं, मतलब उसका मेन मेन हाँ यही है कि दोनों एक हो रहे हैं। हाँ तो अभी देखिए क्या है ना, जैसे गुरु महाराज ने 40-50 करोड़ लोगों को एक मुट्ठी में रखा है, एक इशारे में रखा है, सब एक विचार में चल रहे हैं, खान पान सबका एक है, रहन सहन एक जैसा है, सब जितनी दिनचर्या है सबकी एक है, इसमें कोई शंका नहीं है। उसमें एक भी बंदा जो है आपको शराबी नहीं मिलेगा, मांसाहारी नहीं मिलेगा, A to Z, मतलब कि एक परमात्मा के प्रति जो है सब लोग संकल्पित है। तो इसमें थोड़ा सा अपना जो विचार है ना, विचार तो जो आपका है वही हमारे गुरु महाराज का भी है, हमारा भी है, सबका, हम लोग का विचार वही है, एक अच्छे समाज का निर्माण। लेकिन इसको क्या है ना कि अभी जैसे जिन लोगों को पहले गुरु महाराज ने काम दिया था, ज्यादा से ज्यादा लोग वो दुनिया छोड़ के, शरीर छोड़ के चले जा चुके हैं, तो अब नई टीम जो बनेगी उसमें हम सोच रहे हैं कि अभी फिलहाल तो लोगों ने हमको आगे किया है कि भूमज्योतक का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं, दूरदर्शी का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं। तो हम क्या, ये भूमज्योतक जो है एक समाज निर्माण का कार्य करने वाला संगठन है, और दूरदर्शी जो है इसको गाइडलाइंस देगा कि भाई गुरु महाराज के जो विचार हैं, संदेश हैं, उसके अनुरूप ही जो है भूमज्योतक कार्य करेगा। जैसे कि अगर ये दूरदर्शी RSS है तो भूमज्योतक जो है BJP है, तो इस तरह से। लेकिन हम सोच रहे हैं कि भूमज्योतक का जो चेहरा बने, आप बने, बेशक बहुत अच्छी बात होगी, और आपके साथ एक से एक अच्छे पढ़े लिखे लोग सब आपके साथ में रहेंगे, नहीं, और आपके पूरी क्या हम उन लोगों को जिनको आप चित्रगुप्त के रूप में देख पा रहे हैं, इतने वर्षों में जिन्हों की इनकी ऊर्जा को आपने आकलन किया है, क्या हम उनको आइडेंटिफाई करके उन्हें जो है संगोष्ठियां करने का टास्क देके क्या हम अपनी इस उसमें गति ला सकते हैं? क्योंकि सवाल ये है कि समय लिमिटेड है, यदि हम जो है 2024 के डेडलाइन को मिस करते हैं तो हमारे पास 5 साल वेट करने के अलावा और कोई तरीका नहीं रह जाएगा, नंबर वन। और महाराज, आप जो है इन पांच एक सालों से में, दो ये महीने में देखिए मेरी बात सुनिए, इन 5 सालों में ये इतना देश को बर्बाद कर देंगे कि शायद इसके बाद आपको अवसर ही मिलने की स्थिति ही निर्मित ना हो। बिल्कुल बिल्कुल मतलब ये इतना, मतलब इतना खराब हो सकता है कि 2029 का भी अवसर ना मिले। बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं, तो हाँ, 2024 की ही कहानी हम खत्म कर रहे हैं ना साहब। 2024 में हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो हमको आपको फरवरी से लेकर शुरुआत करना है, और समझिए कि बारिश का सीजन जुलाई अगस्त आते आते आप पूरा पिक्चर बना दोगे। बढ़िया बढ़िया, बहुत एक बढ़िया, फरवरी बहुत। से हम शुरू करें। अभी मैं जैसे जनवरी में हूँ तो इसमें कुछ, बंगाल उड़ीसा जैसे साइड में। आपने जो है उन आनंद जी से कहा कि मुझसे बात करें, तो उन्होंने मुझे बताया कि पहले उन्होंने 10-12 दिन जो है मुझे अध्ययन किया है, उन्होंने क्राइम फ्री भारत और उसके ढेर सारे वीडियोस देखे और पूरे समझने के बाद फिर उन्होंने समर्पित भाव में मुझसे बात की, ठीक है ना। और फिर उन्होंने 5 तारीख के लिए मुझे
मोबाइल के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने का निमंत्रण दिया, जिसे मैंने चलिए सह ठीक है, अच्छी बात है। हुँ. हाँ तो मैं ऐसा ही चाह रहा था कि जैसे यहाँ पे आनंद मिश्रा जी हैं, ऐसे हम ढेर सारे आनंद मिश्राओं की सूची बना के धीरे धीरे जो है ना, एक सप्ताह में एक या दो ऐसे कुछ यदि लोगों को जोड़ने का काम करें, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की लिंक हम आपको भेजें और आप उनको उनसे शेयर करके हम 10-10 के ग्रुप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनसे बात करें। ठीक है, अभी जैसे मैं तो एक तारीख को उसे गोरखपुर उस पहुंच रहा हूँ, ठीक है तो जो वहाँ का जो कार्य हो रहा है, 1 तारीख से मैं पहुंचूंगा, 2 तारीख से शुरू हो जाएगा और जी 5 तारीख तक है, 3 4 5 मेन प्रोग्राम है। तो ओके जो जी भी रहेगा वो मैं कोशिश करूंगा कि कोई वहाँ बच्चा हो जो आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूरे प्लान का मतलब कि शेयर कर सके। अच्छा, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये व्यवस्था जहां कहीं भी संभव हो अपन पैदा कर लें। 15-20 बिल्कुल हजार का बिल्कुल, प्रोजेक्टर आता है, कोई बहुत बड़ा आता नहीं है, राइट? नहीं नो तो है। तो वो हम बड़ी आसानी से उसका यूज कर सकते हैं। अभी देखो, ये आजकल शादी ब्याह जो है ना, इवन गरीब लोगों की शादी के ब्याह में भी लोग बाग प्रोजेक्टर का यूज करके वो करते हैं, तो आजकल ये आम चीज हो गई है। तो उसको हम यदि अपने अभियान के साथ जोड़ लेंगे तो हमारी रीच बढ़ जाएगी, नंबर 1। और जैसे नो आप तो कह है। रहे हैं कि हमारे चेहरे को आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो वो चेहरा आप लोगों के बीच में, हमारे चंद्रगुप्तों के बीच में दिखाई देने लग जाएगा। तो जब हम उनके बीच पहुंचेंगे, तब तक का उनको इंतजार नहीं रहेगा, वो पहले से ही उस चेहरे से परिचित होंगे, उस सोच से परिचित होंगे और उनके लाभों से परिचित होंगे। और मुझे इस बारे में कोई भ्रम नहीं है कि हम 2024 में सभी 543 दुष्ट राजनेताओं को पराजित करेंगे, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। नहीं नहीं वो तो हो जाएंगे, हो जाएंगे। क्योंकि क्योंकि यदि हम उस इच्छा शक्ति से बढ़ेंगे तो कोई कारण नहीं है। और दूसरी बात है कि आज की व्यवस्था में हर कोई प्रताड़ित है, कोई टैक्स से हाँ, ये तो प्रताड़ित है। है, कोई चंदे से प्रताड़ित है, कोई जो है अतिक्रमण से प्रचारित है, बाहुबलियों की दुष्टता से प्रचार वो है, इन्हीं के लोग जो है जनता पे कहर ढा रहे हैं और फिर जो है वो पैसे की वसूली करके इन दुष्ट राजनेताओं तक पहुंचा रहे हैं। तो इनके कुकृत्यों का, इनके पाप का तो घड़ा भर चुका है। इन्होंने बराबर घटिया बराबर कानून बनाए, घटिया अपने उससे व्याप्त किया। अब ये बताइए, यदि आप आजाद हुए तो कोई भी कॉमन सेंस वाला व्यक्ति ये कहेगा कि गुलामों वाले नियम तो नहीं थोपना चाहिए थे, उन्हें प्रजातांत्रिक बनाकर वो गुलामों वाली बादशाही व्यवस्था तो नहीं थोपना चाहिए थी, उसे अकाउंटेबल बनाया जाना चाहिए और यदि वो गलत निर्णय लेती है तो उसे कंपनसेशन देने के लिए भी बाध्य किया जाना चाहिए। बिल्कुल तो ऐसा इन्होंने किया नहीं। और फिर जो खुद राजनेता हैं वो भी तो ठीक नहीं है ना, उनकी सोच है ना, चरित्र है ना, शिक्षा है ना, लक्ष्य है, वो इस देश को कहां ले जाना चाह रहे हैं। वो सब आप यदि अंधाधुंध अपन में चल माननीय रहा है। नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपने ही मुझसे पूछा था वो दो सवाल जिसके बारे में आजकल मैं काफी लोगों को चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें मेरे ख्याल से शायद मिश्रा जी ने मुझसे पूछा था, वो आपके कोई दूसरे मिश्रा जी थे जिन्हें आपने जोड़ा था, याद है आपको? हाँ तो हाँ बढ़िया उन्होंने बढ़िया। मुझसे दो प्रश्न पूछे थे। एक तो ये पूछा था कि साहब जो है, इन्होंने बनारस में कहा है कि हमने 40 साल भीख मांगी है तो भीख कहाँ मांगी, ठीक है ना? जिसका जवाब मैंने दिया था, भाई आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछिए, वो उसका जवाब देंगे कि कहाँ उन्होंने भीख मांगी। फिर आपने दूसरा प्रश्न मुझसे किया था, मतलब मिश्रा जी ने किया था, कि वो कहते हैं कि उन्होंने चाय बेची है, तो जहाँ के वो बाढ़ नगर या जो भी है नगर, वहां तो रेल ट्रेन रुकती नहीं थी, वहां तो रेलवे स्टेशन था नहीं, तो उन्होंने चाय कहाँ बेची? तो उसका जवाब भी मैंने यही दिया था कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछिए, राइट? ये सवाल जो है हर आदमी तक पहुंचना चाहिए। नहीं, मैं तो तीसरे जवाब की सवाल की बात करूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को क्या इतनी छद्म नीतियों को अपनाना चाहिए, क्या क्या उनकी चरित्र की दृढ़ता इस तरीके की नौटंकी करने के लिए है या उन चीजों को जमीन पर उतारने के लिए है? आज आप ये बताइए, मैं तो इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं कि उन्होंने अपनी जो है नूपुर शर्मा को भाजपा की प्राइमरी मेंबरशिप से क्यों बर्खास्त किया, राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से क्या क्यों बर्खास्त किया, उसने क्या गलत बात कह दी थी?
जो हदीस में लिखी हुई है वही बात उसने कही थी। वो हदीस तो इनकी है ना, वो नूपुर शर्मा की तो हदीस है नहीं, ना तो फिर उन्हें क्यों निकाला? और आज उनको दुनिया इनके लिए निकाला कि कहीं इनसे आगे न बढ़ जाए हम, मतलब जो मोदी के भाई, लिस्ट में लोग हैं इनसे आगे न वो बढ़ फिर तो इंद्र भगवान हो गए ना, जिनका सिंहासन हिलता ही रहता है। तो भैया ऐसे इंद्र महाराज भगवान है राजनीति में यही होता है, सिंहासन हिलते रहते हैं। तो नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मुझे बहुत कष्ट होता है इनके कुछ स्टेटमेंट से, मुझे इतना कष्ट होता है। जैसे इनका जो स्टेटमेंट है कि ये मुझे नोच के खा जाएंगे, ये मेरी बोटी बोटी जो है ना नोच लेंगे, इस स्टेटमेंट से, वो भी देश का प्रधानमंत्री यदि ऐसा स्टेटमेंट देता है, तो जिसको एसपीजी की सुरक्षा मिली हुई है वो यदि ऐसा स्टेटमेंट देगा, तो भारत की जनता वो कितनी डर जाएगी, जिसे अपना आप सुरक्षा के लिए आप उसको हथियार भी नहीं है, वो हथियार यदि उसको कोई धमकी दे, वो माफी मांग रहा है तो भी उसको मार दिया जा रहा है, वो जनता कहाँ जाएगी? क्या उसे आप डरा के सत्ता में स्थापित होना चाहते हैं? क्या क्या सोच है आपकी, क्या चरित्र है उनकी आपका? सोच यही है कि उनके फॉलोअर लोगों को ये बताएं कि देख नहीं रहे हो हमारा प्रधानमंत्री असुरक्षित है, जो कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था लेके चल रहा है, तो तुम लोग काहे के सुरक्षा सुरक्षा की बात कर रहे हो, तुम लोग सुरक्षा की बात मत करो। आम जनता को उनका मैसेज है कि आम पब्लिक अगर सुरक्षा के बारे में न्याय के बारे में सोचता है तो उसको नहीं सोचना चाहिए, वो जो क्योंकि है उनका प्रधानमंत्री ही सुरक्षित नहीं है। वो जो है एक कूड़े कोड़े मकोड़े की तरह रहे, अपनी बात ना कहे, उसके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे रहे, गुलामों की व्यवस्था थोपी रहे, मूर्ख बनाया जाए, डिमोनेटाइजेशन किया जाए, तो उसमें जो काउंटर करें फिएट करेंसी है वो भी आ जाए, क्योंकि जितनी करेंसी सर्कुलेशन में थी उससे ज्यादा करेंसी जो है लौट के वापस आई है। इसका सीधा मतलब निकल रहा है कि काउंटर फिएट करेंसी जो पाकिस्तान से आई है वो भी सिस्टम में घुस गई। नहीं मतलब और ये माननीय अशोक शर्मा जी, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ। एज ए जी सिटिंग डीजी मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा था, आपको ऐसा बिरला जो है ना डीजी नहीं मिलेगा जो प्रधानमंत्री को अपने ऑफिशियल मेल से भेजे और उसे उनके एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी से फॉलो अप भी करे, ठीक है ना? तो उसमें मैंने उनको 18 पॉइंट दिए थे, जिसमें एक पॉइंट ये भी था कि आप जो है ये एक्सचेंज योजना बंद करिए। आपने ऑलरेडी जनधन योजना में सभी लोगों के अकाउंट खोल दिए हैं, यदि 1% 0.01% जितने भी यदि रह गए हैं तो अधिकारियों को भेजिए, उनके घर जाके जो ना उनके अकाउंट खोल दिए जाए, और फिर जिसको जितने करोड़ जमा करना हो कर दे, बाद में हम उसकी जांच पड़ताल करते रहेंगे, और सभी को जो है छाप के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पहुंचा दीजिए, फिर आपकी करेंसी की प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। उसमें पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो होती है ना, उसका भी हमने कहा था कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन में जो है ना वो क्रेडिट डेबिट कार्ड काम करेंगे, तो आपको करेंसी की जरूरत ही नहीं होगी। आपने जनता को कितना प्रताड़ित किया लाइन लगवा के, और जनता ने इसके बाद भी आपको सिर पे बिठाया, लेकिन आपकी नीयत क्या थी? एक चीज आपको नहीं मालूम होगा भाई साहब, 32 लाख लोगों के ऊपर जो है इनकम टैक्स केस किया है, 32 लाख लोगों के ऊपर इनकम टैक्स ने केस किया है कि ये पैसा आपके पास कहाँ से है, उनको जो उन्होंने बैंकों में जमा कर दिया ना उनको रिटर्न नहीं मिल रहा है, 32 लाख लोगों के ऊपर, शायद ये आपको नहीं मालूम होगा, नहीं मुझे जानकारी नहीं है तो। 32 लाख लोगों के ऊपर जो है जब से नोटबंदी हुई है तब से वो लोग अपने पैसे के लिए चक्कर काट रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। तो वो तो ठीक बात है, यदि मान लो आपने गलत तरीके का पैसा, जिसका आपके पास जवाब नहीं है, तो आपको जो है उसका जवाब देना चाहिए, उसका इनकम टैक्स भी जमा करना चाहिए, और वो पैसा अरे यदि यदि नहीं, वो देखिए क्या यदि है, वो पैसा जब किसी ऐसा कुछ दूसरे, सिस्टम है हमारे देश में जी कि भाई किसी के पास मान लो उसने टैक्स पे नहीं किया है, ऐसे जैसे बहुत सी फैमिली हर मेंबर में हर घर में होता है कि जैसे आदमी लोगों की जानकारी में नहीं रहता है लेकिन औरतों के पास पैसा पड़ा रहता है, वो सोचती है कभी भी घर के फैमिली में जब कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो हम ये पैसा बाहर करेंगे, तो तो आप ये नोटबंदी में तो बाहर आ गए। तो आप यही करिए ना कि साहब ये हमारे जो ना पत्नी का बचत का पैसा है,
लेकिन अरे पत्नी लेकिन भरेंगे तो ये तो आपने अधिकार कभी दिखाया नहीं टैक्स के रूप में अब इसका, लेकिन इनको क्या करना नहीं, चाहिए था कि लेकिन आपने लेकिन इतना जमा लेकिन किया है ना तो उसका नहीं, 20% लेकिन माइनस नहीं, करके उनको बाकी का दो ना। हाँ, इनको क्या करना चाहिए कि जो भी एक्स वाई जेड ने जमा किया है उसका 30% माइनस कर दो, बाकी तो उनको लेकिन पैसा सभी देंगे। राजनीतिक पार्टियों ने तो अपना पूरा पूरा पैसा, किसी ने और सब 27 हज़ार करोड़ पार्टियों जमा कर लिया, अभी किसी ने कुछ हजार करोड़ महाराज जमा कर लिया। हजारों हजार अरब रुपए जो है नेताओं का एक पार्टियों का फंड है, हजारों हजार अरब का, और वो जो है किसी ने बैंक में नहीं गया तो भैया पैसा चेंज कैसे हुआ? नहीं तो पैसा चेंज वो एक्सचेंज में हुआ होगा, कैसे हुआ एक्सचेंज, कैसे हुआ चेंज वो? भाई साहब जो मतलब कि RBI बैंकों को पैसा भेजती थी ना कि पब्लिक हाँ, में एक्सचेंज करो, बैंक वाले खुद ही जो है सेठ जी के यहाँ चले जाते थे पूरा अटैची लेकर के, और एक अटैची देते थे और दो अटैची लेके आते थे। तो उनका जो है ना एक्सचेंज के डिटेल उनसे मांगे जाए ना, कि उन्होंने जो है ना ये तुम्हारा पास इतना पैसा आपने कहाँ खपाया। भाई साहब वो कुछ था ही नहीं उसमें, तो ये था कि भाई हमने पब्लिक से ये पैसा लिया और ये दिया नहीं लेकिन उसके लिए बाकायदा एक्सचेंज के लिए फॉर्म भरना था ना अपना जो है ना अरे वो। कुछ नहीं महाराज, सीधा काउंटर पे पैसा दो, काउंटर से पैसा लो। नहीं तो ऐसा जिन्होंने किया है ये तो अरे जो नियम स्थापित किया था उसके विरुद्ध है ना, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए ना। महाराज कानूनवा नियमवा पालन कौन कर रहा था? बैंकों वाले कर रहे थे, करा रहे थे ना, तो बैंक वाले को मेंटेन करना था, उन्होंने फाइल मेंटेन कर लिया। नहीं तो उन्होंने जो फाइल मेंटेन की वो किसके पास पैसा गया जो उनको दिया गया? अरे जिसको पैसा वापस किया उसको दे दिया, जो पैसा बैंक में आ गया आ गया, उसमें ऑफिसरों की खाया, पॉलिटिकल लोगों ने खाया है। नहीं, नहीं 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 नहीं, उसमें तरीका ये था कि सामने हाँ वाले को फॉर्म भरना था, सामने वाले को अपना आधार कार्ड और बहुत बहुत सारी चीजें लगाना थी, तो वो फॉर्म को जो है ना सेक के थ्रू अकाउंट फॉर होना चाहिए ना, कि उतने फॉर्म आपके पास हैं कि नहीं है। भाई साहब, ऐसे पहले ऐसे तो चेंज एक्सचेंज हुए योजना हो पैसे। नहीं पहले तो एक्सचेंज योजना होना ही नहीं चाहिए थी जो मैंने कहा। नहीं 2 करोड़ 5 करोड़ आप रुपए जो है डेली। जस्ट ए मिनट, आप यदि मुझे देखो, ये अपना जांच पड़ताल का विषय है। लोगों की लाइन नहीं लगती, लोगों को 5 मिनट की दिक्कत नहीं आती, और जो है जहां का भी पैसा है यदि अज्यूम करिए कि लोगों ने हमारे माध्यम से जमा किया, तो हमारी जो है ना कमाने की वो नहीं है, तो हम आपसे पूछ सकते हैं भाई आपके पास ये पैसा आया कहाँ से था। मतलब अल्टीमेटली हमें कमाने की क्षमता तो होना चाहिए थी, और नोटबंदी के पहले और नोटबंदी के बाद भी, और जो पत्नियां भी यदि जो है ना वो करेंगी तो आपके ही जो है ना इनकम का कुछ हिस्सा वो सेव कर पाएंगी ना। मतलब आप जो है ना 5 लाख कमाते हैं और वो 50 करोड़ सेव कर लें, ऐसा तो संभव है क्या? नहीं, वो तो आपके नहीं। ही उसमें से कुछ चुरा के, कुछ रख के, कुछ छिपा के जो है ना उसी को तो बचाएंगी ना, हाँ वो तो आपके उसका परसेंटेज होना चाहिए, आपका मल्टीपल तो नहीं हो सकता है। नहीं यदि नहीं आप वो पांच तो करोड़ कमाते हैं तो आपकी पत्नी 50 करोड़ तो नहीं बचा सकती, नहीं, बचा नहीं वो लेगी, सवाल ही नहीं उठता। नहीं, वो तो वही तो 5 करोड़ का ये 2%, 5%, 10% बचा पाएगी ना वो। हाँ वो तो वही है। तो पहले आपको कमाने वाला होना चाहिए। यहाँ तो जो है लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं से इससे उससे लाइन में खड़ा करके ये पूरी सोची समझी दुष्टता थी। हाँ, पूरा प्लानिंग के साथ काम का धंधा बनाया। तो आप ये बताओ कि क्या देश के प्रधानमंत्री को धंधा बनाना चाहिए या देश को आगे बढ़ाना चाहिए? अरे महाराज, हर राजनीतिक पार्टी के लोग देश को जो है कैसे इस्तेमाल करने का, कैसे अपना बिजनेस चलाना, मतलब बिजनेस मतलब उनकी पार्टी कैसे तो फिर चलेगी। भाई साहब जो है जो क्राइम फ्री भारत मिशन कह रहा है कि भैया खुद चंद्रगुप्त बनो, गांव उसमें जो है ना गए उसमें मोहल्ले मोहल्ले में बैठो, उनके साथ चाय पियो, उनको वीडियो ऑडियो सुनाओ, खुद खुद उनसे बात करो, उनको जोड़ो और खुद को चंद्रगुप्त बनाओ, और चंद्रगुप्त उनके जो है ना इन सभी राजनेताओं को पराजित करो, वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए, तो क्या दिक्कत है फिर उसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा हो जाएगा। हाँ लेकिन मैं चाहता हूं कि उसे हम और डिफरेंट तरीके से करें, जो बड़े आयोजन हैं उनको अलग करें और छोटी संगोष्ठियों पर ज्यादा जोर दें, क्योंकि चंद्रगुप्त जो 543 बन के आना है उन्हें तो संगोष्ठी ही करना है, उन्हें बड़ी बड़ी आम सभाएं नहीं करना है। बाद में जो है ना जब बहुत सारी संगोष्ठियों से लोग इकट्ठे हो जाए तो आम सभाएं भी कर लीजिए, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो वैसे लेकिन कहना है कि जो क्या हाँ है, ये जो हमारे 10-20-50 टीम है ना, 10-20-50 टीम बना के जो हमारे भाई लोग काम कर रहे हैं, अगर हम 10-20-50 टीम को खाली मेंटेन करेंगे तो हम 40-50 करोड़ को मेंटेन कर लेंगे।
नहीं लेकिन नहीं हमारे जो नहीं चालीस नहीं पचास नहीं करोड़ है, चालीस 10 20 50 जगह है। हाँ देखो मेरा दूसरा कहना है उसमें, आपके जो लोग हैं वो एक लाइन से खड़े होके जो ना चले जा रहे हैं, मैंने आपकी संगोष्ठियां और वो देखी हैं, जो संगोष्ठियां नहीं जो रैली टाइप की हैं, तो हाँ इससे काम नहीं चलेगा। जो नहीं, आपको वो देख के तो एक जो अलग जन वो महाराज, वो तो शाकाहारी नशामुक्त का जो है एक हिस्सा है, मतलब पब्लिक में प्रचार है कि शाकाहारी बन जाओ नशामुक्त बन जाओ, नहीं वो लेकिन व्यवस्था मेरा परिवर्तन का वो काम उतना नहीं है। हालांकि वो भी एक व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा ही है कि एक शाकाहारी नशामुक्त समाज अगर तैयार हो जाए तो थोड़ा और अच्छी व्यवस्था आसानी से बन जाएगा। यदि हम जो है शाकाहारी होने के फायदे और मांसाहारी के नुकसान, इन दोनों चीजों पे यदि हम साइंटिफिक चीज के साथ जो है ना लोगों को कन्विंस कर देंगे, तो लोगों को जब मालूम पड़ेगा कि हम मांसाहारी भोजन खा रहे हैं उसके कारण हमारी बीमारी है, उसके कारण हमारी ओबेसिटी है, उसके कारण जो है ना सब कुछ है, और जो बीमारियां मुर्गियों को और इनको हो रही हैं, फ्लू जो इनको हो रहे हैं, वो सब जो है ना बड़ी संख्या में लोगों की मौत कारण का कारण बन रहे हैं, तो हम शाकाहारी हो जाएंगे तो वो मौतें बच जाएंगी कि नहीं बच जाएंगी? ये तो पदयात्रा जहाँ समाप्त तो होता है हम लोग करंट डेली, तो वहाँ पे जो पब्लिक जमा होती है ना, सबके सामने ये सब बातें विस्तार से रखी जाती है, जो आप कह रहे हैं ना ये सब बातें बताई जाती है। मेरा ये कहना है कि जो मॉडल मैं चाहूंगा कि यदि हमारे लोग अडॉप्ट करें तो बहुत हमें फायदा मिलेगा, ये मास मीटिंग तो कर लें, हमें उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपने उसमें इतने समय तक का आपका तजुर्बा है, इतने लोगों को उससे आपने जोड़ा है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि हम मोहल्ले में संगोष्ठी करके मोहल्ले में लोगों को जोड़ेंगे तो ये बहुत क्वालिटेटिवली डिफरेंट होगा। मोहल्ले स्तर तक महाराज हमारा हर संडे को पूरे देश के हर प्रांत, हर जिले, गांव स्तर तक, हर मोहल्ले में हो रहा है। तो यदि हो रहा है तो वो लोग फिर क्राइम फ्री भारत मिशन के जो है ना ऐप के माध्यम से उन्हें जोड़ने की कार्रवाई भी करें। नहीं, जो वही कार्रवाई जो है, अभी ये फरवरी का प्रोग्राम आप अटेंड कर दीजिए, फिर मैं जनवरी में लास्ट में खाली हो जाता हूँ, फिर फरवरी से हम आप सब लोग जो भी अपने आप हम लोग के साथ में जुड़ेंगे सबको लेकर के पूरे देश भर में हम लोग एक प्रोग्राम बना लेंगे, उस हिसाब से कि हम कितने दिन के लिए निकल रहे हैं, पूरा अपना राशन पानी लेके अपन लोग निकलेंगे और हर स्टेट में 4 जगह 6 जगह जो है प्रोग्राम करते रहेंगे, मतलब एक एक स्टेट में 4 5 जगह कर देंगे, काम मजबूती से हो जाएगा। नहीं लेकिन मेरा ये कहना है कि हम इसे जो आप कह रहे हैं उसमें मुझे कोई राय में भिन्नता नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जिनको हमको लग रहा है, देखिए इतने अनुभव से हमें ये महसूस तो हो गया है कि हमारे किन लोगों में एनर्जी ज्यादा है, ये एक आकलन तो हमारा होगा ना कि हमारा ये कार्यकर्ता ज्यादा एनर्जी के साथ देशभक्ति में बड़ा भिड़ा हुआ है, परिवर्तन के लिए भिड़ा है, एक हल्का सा आकलन आपके दिमाग में होगा। मैं चाहता हूं उस आकलन के हिसाब से हम अपनी ओर से उसे चंद्रगुप्त का होने का एहसास दिलाएं कि आप चंद्रगुप्त बन सकते हैं, और फिर वो जो है अपने लेवल पे संगोष्ठियां करके, क्योंकि वो चंद्रगुप्त यात्रा में कहां तक कितने लोगों को जोड़ रहा है, बाकी लोग कितने लोगों को जोड़ रहे हैं, वो उसे देख पाएगा, राइट? क्योंकि उसे हर दिन जो है लोगों को जोड़ने पर कमेंडेशन सर्टिफिकेट भी मिलेंगे, तो उसका मोटिवेशन भी बढ़ेगा, राइट? अच्छा, वो अपना उसने अपना कितना किया वो भी देख पाएगा, और दूसरों ने कितना किया वो भी देख पाएगा, राइट? तो वो अब वो एक कम्पिटिटिव भावना से लोगों को जोड़ने में और ज्यादा सख्ती से काम करेगा। अभी वो पेशिव तरीके से काम कर रहा है कि मैं गुरुदेव जी का काम कर रहा हूं, अब वो फिर एक्टिव तरीके से कहेगा कि मुझे गुरुदेव का कार्य करते करते अपने आप को चंद्रगुप्त भी सिद्ध करना है, तो वो ये देख पाएगा कि दूसरे लोग चंद्रगुप्त की यात्रा में कहाँ पहुंचे हैं और हम कितने पीछे जा रहे हैं, तो वो हर दिन वो एनर्जी उसमें डालेगा तो उसका सिक्वेंस बहुत फर्क पड़ेगा, और जिन लोगों को वो जोड़ेगा उनको ऊर्जाकृत शपथकृत और संकल्पित करेगा, तो वो लोग जो एक एक दो को भी जोड़ेंगे तो ये लक्ष्य जो है हम बहुत जल्दी पा लेंगे, और जैसे ही हम लक्ष्य पाएंगे तो जो प्रेजेंट गड़बड़ियां हैं हम इन राजनेताओं को विवश करना चालू कर देंगे, तो जो अभी लोगों के पैरों में बीमारी फटी हुई है उसका उस कष्ट को भी हम कम कर पाएंगे, कम से कम बड़े अन्याय में तो हम उनको इस बात के लिए बाध्य कर पाएंगे कि वो प्रॉपर कार्रवाई करें, और चाहे उनमें उनके ही लोग क्यों ना इन्वॉल्व हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना?
नहीं ठीक है, तो जनता को जो है राहत के लिए 2024 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो तो फाइनल राहत मिल जाएगी, लेकिन उसके पहले छोटी मोटी राहत उनको उन 9 दिन के बाद ही मिलना चाहिए जब हम 100 करोड़ के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर हम बड़े मुद्दों को आइडेंटिफाई करके राष्ट्रीय स्तर पर थाली बजाकर दीपक जला के लोगों की उन समस्याओं को किसी के पास पिटीशन नहीं देंगे, हम अपनी बात इसी तरीके से रखेंगे। पिटीशन नहीं नहीं ठीक है, अच्छी बात है, और पिटीशन देंगे तो मैथिली शरण गुप्त देंगे सभी के बिहाफ पे। ठीक है लेकिन उन जो राष्ट्र जो है माननीय प्रधानमंत्री को जो कम्युनिकेशन होगा वो तो लोग बाग अपने थाली अपने छत पे खड़े होकर थाली बजाकर दीपक जला के, और जो मांग का एक वीडियो जारी किया जाएगा वो वीडियो चला के वो माननीय प्रधानमंत्री से मांग करेंगे कि भाई ये आपका कर्तव्य का हिस्सा है, देश के हमने आपको चुन के भेजा है, आप हमारे ऊपर कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, आप इसे करिए। नहीं तो ठीक है ठीक है। यदि वो नहीं करेंगे तो उतने एक्सपोज हो जाएंगे। मतलब अब आप जो है पार्लियामेंट के मंदिर पे माथा टेक के और चंद्रगुप्त जी की जो है उसमें सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद के वहां जाके माथा टेक के एक साइकोलॉजिकल फायदा लेने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं चलेगा। इन हीरोज के जो दिल की तमन्ना है उसको कानून में कन्वर्ट करके उसको व्यवस्था में कन्वर्ट करने की कार्रवाई आपको करना पड़ेगा, और इसी के लिए आपको जिताया गया है। बराबर PIL लगाने के लिए आपको नहीं जिताया है। तो आज आप अपने ही लोगों से PIL लगवा रहे हैं, तो क्या हमारी सोच इतनी खराब है कि हम अपनी बात पब्लिक से जो ना मन की बात में नहीं कह पा रहे हैं? तो फिर मन में किस मन की बात में किसकी बातें कह रहे हैं आप यदि अपनी बातें नहीं कह रहे हैं तो? चलिए ठीक है, अभी नहीं जो है नहीं आपका तैयारी क्या कर आपका क्या रहे हैं। सोचना है कि ये बातें जो हैं लोग कहते हैं कि उनके मन में बहुत सारी बातें हैं, तो ये मन की बात किसी दूसरे की बात मन की बात कहते हैं कि अपने मन की बात कहना चाहिए? क्या सोचते हैं आप? हाँ कहना तो चाहिए, लेकिन अगर उनका नहीं है तो फिर किसका है। चलिए चलिए, मुझे लगा कि शर्मा जी से बातचीत की जाए और शर्मा जी को जो बहुत है अच्छा ना है, है? ठीक है, अभी जो है फरवरी से प्रोग्राम नहीं, बढ़ेगा, लेकिन आप आप जो जो है। है आप अपने मन से जिन जो आपको चंद्रगुप्त बन रहे लग रहे हैं उनकी सूची तो बनाइए आप, वो फरवरी में तो अपन उसको क्रियान्वित कर देंगे। हेलो हाँ महाराज, देखिए क्या है ना कि आपको फरवरी में एक चीज थोड़ा अनुभव होगा। देखिए अभी हम आप जैसे ऑनलाइन जो चल रहे हैं ना, फरवरी में जब एक पॉइंट आप वहाँ देखेंगे, स्टडी करेंगे, वहाँ कैसे कैसे लोग भी मिलेंगे आपको, और कितने कितने बड़े बड़े नॉलेजमेंट वाले भी मिलेंगे वहाँ पर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, लेक्चरर, प्रोफेसर, DM, SDM, पुलिस अधिकारी, आर्मी, हर पूरी टीम मिलेगी आपको उसमें जब जाओगे तो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, हर तरह के लोग वहाँ आपको मिलेंगे, तब बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक, उसमें आपको ये समझ में आएगा कि इसको कैसे मेंटेन करने का। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक क्या बात है। होता है ना कि अगर मैं ही केवल बुद्धिमान हूँ ये सोच के मैं चलूंगा, तो फिर आगे कौन कौन से मिलेंगे, फिर उनसे मैं क्या करूंगा, पहले पहले मिलूं तो आए कौन हो, कौन कौन से मुलाकात होने वाली है, पहले उन लोग से मिलना जरूरी है। बिल्कुल हम ठीक आप बात, खाली बात कर लेंगे तो मजा नहीं आएगा, नहीं, बिल्कुल मिलेंगे, और सभी से हमारे मिलेंगे। आपके बात से जो है दुनिया बदलने वाली भी नहीं है। बदल देखिए क्या है, ये लोकतंत्र है, जब ये लोग जो है आपके सामने दिखेंगे और आपके साथ में लोग जो है देश की राजनीतिक लोगों को दिखेंगे, तब उनकी कुर्सी हिलेगी। ठीक बात है, बात तो आप ठीक कह जब रहे। तक आपके पास में पीछे खड़े हुए लोग नहीं रहेंगे ना, तो बोलेंगे अरे दो पांच लोग बोल रहे हैं, बोलने दो। हाँ। तो हमारे आपके भले हमारे आपके पीछे वाले कुछ नहीं बोलेंगे, खाली चुपचाप खड़े रहेंगे कि भाई हम इनके पीछे खड़े हैं, बोलने का काम आप करोगे, लेकिन लोगों को ये दिखाई पड़ेगा भाई इतने लोग इसके पीछे हैं, हाँ। उसका रिजल्ट मिलता है। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और वो आपको जब फरवरी का प्रोग्राम आप अटेंड करोगे, तब उसके अलावा और मैं दो पांच दस जगह आपको लेके चलूंगा कि देखो ये भी हमारी टीम है, ये भी हमारी टीम, हर टीम से आपको मैं मिलाऊंगा, और बहुत सुंदर, आपको इतनी बड़ी मतलब एनर्जी मिलेगी कि आप खुद सोचोगे कि अभी तक आप कहाँ थे और आप कहाँ हो। उस टाइम जो चीज आपकी फीलिंग होगी ना, तो फिर आप अलग ढंग से सोचोगे, अभी तक की फीलिंग आपकी अलग है। ठीक कह रहे जब हैं आप, आपको एक मुश्त जो है भाई, आज इतने समय में आपने कितने को जोड़ा, और आपको एक मुश्त जहाँ करोड़ों लोग जो है सामने दिख रहे हैं, वो अलग चीज आपको फीलिंग होगी, और उसमें भी एक से एक विद्वान मिलेंगे आपको कि बिल्कुल ठीक। आप खुद उसको हैंडल करो, आपको हाई और कोर्ट के नहीं, वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील सब मिलेंगे।
और उनसे जो है ऐसे चुनिंदा लोगों से अपन वन टू वन भी जो है ना गुफ्तगू करें, उनके साथ बैठक करें, तो बहुत सारी चीजें उनका कंट्रीब्यूशन जहां जहां हो सकता है वो भी अपन। हेलो महाराज, जो मैं ये रास्ता लेके घुमा के चल रहा हूँ ना, इसमें हमारी जितनी टीमें हैं, जो भी 150 टीमें चल रही हैं हमारी, 10-20-50, वो सब टीम इसी झंडे के नीचे हैं। एक झंडे के नीचे सब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन मैं इंडिविजुअल एक एक जन से अभी मिला हूँ। है। हमने बताया भाई ये काम करो, तो उन्होंने कहा भाई हम तो एक काम शाकाहारी नशा मुक्त तो समाज बनाने के लिए दौड़ रहे हैं, आप जो है ये काम पकड़ लो, तो हम वो काम लेके चल रहे हैं। अब रहा सवाल कि जैसे अब हमारे साथ में पूरे देश भर में हर प्रांत से हर जिले से लोग जुड़े हैं, तो अब हमको बहुत ज्यादा नहीं है, अगर हम 10-20-50 गाड़ी भी ले, अभी जैसे हमारे भाई लोग तो हजारों हजार गाड़ी लेके चल रहे हैं, मतलब कि समझिए कि 4,000-5,000 आदमी तो ऑन रोड उनके साथ चल रहे हैं। तो ठीक है चलने दो, हमको उतना लेके नहीं जाना है, हम तो खाली महाराज अगर 50 गाड़ी भी लेके चलेंगे ना तो हमारा बहुत है, ठीक बात है, 25 गाड़ी भी लेके जाएंगे तो भी जितने हमारी टीम है ना, हर टीम के सामने बोलेगा हाँ भैया बोलो क्या करना है, वो आपसे खाली एडवाइस देंगे, आपको एडवाइस देंगे नहीं। जो फार्मूला हम गुरु मार्ग लेके चल रहे हैं ना, ये जितनी टीम वाले हमारे भाई लोग काम कर रहे हैं, इसमें कोई हमको एडवाइस नहीं देगा, वो हमारी एडवाइस लेंगे, और सबको इसी झंडे के नीचे खड़ा होना है, कोई ये नहीं कहेगा कि ये नहीं हो, ये फार्मूला गुरु मार्ग का हम लेके जा रहे हैं, और इस चीज को सब मानेंगे, क्योंकि वो गुरु महाराज की वाणी है कि सबको इस झंडे के नीचे, और गुरु महाराज का कई मैटर ऐसा है कि जो आप नहीं, कुछ उन्होंने बोलोगे कहा ही ना। है कि जो है कुछ ऐसे अवतारी पुरुष जुड़ेंगे जो कि ऑलरेडी जन्म ले चुके हैं और कई जगहों पे जन्म ले चुके हैं, वो सब एक साथ आएंगे और सब लोगों को जोड़ लेंगे। ये बात एक एक वीडियो में मैंने सुना है। आप जो है एक मैसेज खाली फॉरवर्ड करना शुरू कर दीजिए कि वन टाइम पॉलिटिक्स, मतलब कि एक बार MLA MP बन गए या ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला अध्यक्ष, XYZ जो भी जनप्रतिनिधि बनते हैं, एक टाइम दोबारा न बने, यह व्यवस्था जो है क्राइम फ्री भारत लाने जा रही है। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा भी होगा और पार्टी विहीन भी होगा और मेरिट पे लोग सामने आएंगे और मेरिट पे ही चुने जाएंगे। आप खाली अभी जो मैंने कहा ना, खाली इसको हाईलाइट कर दीजिए, ये मैसेज जितने पार्टी के पीछे चलने वाले और जिंदाबाद मुर्दाबाद कहने वाले हैं ना, खाली उन लोगों तक पहुंच जाए कि एक बार में हो जाएगा, जितनी भी पार्टियों के फॉलोअर हैं आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिए, आप जिस राजनीति की इच्छा से इन नेताओं के पीछे जा रहे हो आप आ जाओ, हम सब हम जो है खुद आपको मौका देंगे, आप खुद विधायक सांसद बनो, नेता बनो, किसी नेताओं का झंडा मत छुओ। भाई साहब आप देखिए एक झटके में अगर ये नेता लोग के पीछे से जितने हैं सब लोग हट ना जाए तो कहिएगा, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, ये ठीक कह ये रहे हैं। फार्मूला केवल उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो नेताओं के पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद कह रहे हैं। और ये तो इतने दुष्ट राजनेता हैं कि उन कार्यकर्ताओं के साथ ही विश्वासघात कर रहे हैं। आप ये अरे बताइए। महाराज करते नहीं है, करते आ रहे हैं, आज जब से देश आजाद हुआ तब से, तब से कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। जब से देश का नाम आजादी आजाद भारत पड़ा तभी से देश की जनता का शोषण भी हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हम उन लोगों को जो आज तक धोखा खाए हैं उनको अपने साथ ले लेते हैं ना, उनको ही नेता बना देंगे, बिल्कुल आपको वही एक बात बनेंगे। कैलकुलेशन नहीं मालूम होगा, हम लोग जो है पूरे देश की जनता 28 लाख लोगों को हर 5 साल में वोट दे करके नेता बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है। जैसे कि ग्राम का जो है BDC से लेकर के जिला पंचायत सदस्य से लेकर के और राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री MLA MP जितना है ना सबको मिला करके टोटल 28 लाख से कुछ ऊपर है, 28 लाख कुछ हजार है, ये 2019 के इलेक्शन के जस्ट पहले जो है NDTV में रवीश कुमार ने काउंटिंग दिया था। अब सोचिए अगर हम हर 5 साल में देश की राजनीति में 28 लाख नौजवानों को जो है उसमें राजनीति में उतार देंगे तो ऐसे ही बहुत बड़ा मतलब बेरोजगारी दूर हो जाएगा।
हाँ 5 साल के अंदर 28 लोगों को हम राजनीतिक बनाएंगे तो कुछ न कुछ उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी ना भैया, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल उस बेरोजगारों को रोजगार तो मिलेगा, नौकरी तो मिलेगी। ठीक बात है। हम उससे बहुत लोग कहते हैं जितने MLA MP हैं सबका जो है पेंशन बंद कर दिया जाए। हम कहते हैं चलिए, हम तो कहते हैं कि जितना इनको पेंशन मिलता है उससे 1,000 तुमको ज्यादा दूंगा, आ जाओ मैदान में, चलो राजनीति करो। हाँ हम आपको बोलते हैं कि आप MLA MP बन जाओ, आपको 1,000 बढ़ा के दिया करेंगे। हाँ 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 तो बोले नहीं नहीं हमको नहीं करना। हम कहते तो जबान बंद रखो, हाँ तुम खुद जो है राजनीति करने के लिए पक्ष में, क्योंकि तुमको अपने औरत बच्चे को पालन पोषण करना है। कि सोचते हैं राजनीति करने जाओगे तो मेरे बाल बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, और दूसरा जो रोड पे डाल के भी बाल बच्चे को विधायक सांसद बना है वो क्या बेकार है क्या भाई साहब? राजनीति करना इतना आसान नहीं है जितना हम तो देखते हैं कि जितना विधायक सांसद नगर सेवक ग्राम प्रधान जो मेहनत करते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं करते। हम लोग तो घर में बैठ के राजनीति बात करते हैं, लेकिन उन लोगों को देखा हूँ कि गर्मी में ठंडी में बरसात में जो है चलते चलते उनके पैर के जूते चप्पल भीग जाते हैं। हेलो लेकिन नियत जो है मूर्ख बनाने की रहती है। महाराज, उस नियत को मत देखिए, उस मेहनत को देखिए कि अगले ने किस वफादारी से जो है मेहनत करता लेकिन है। यदि वही मेहनत देशहित में कर दें, वही मेहनत जो है ना देश प्रेम के हेलो, साथ करें, अरे यार वही नहीं जो है ना देखिए, जनता को ऊपर ले जाने के लिए करें, जनता को जो है ना गुलाम बनाने की बजाय, जनता को दारूखोर बनाने की बजाय, ये तो संविधान की व्यवस्था का भी पालन नहीं कर रहे हैं ना। हेलो, अब दूसरी बात मैं बता रहा हूँ आपको, जो चीज की जनता की जिम्मेदारी है। जब हमारे देश की जनता जो है दारू और मुर्गे के बदले में जो है लोगों को बुद्धि दान दे रहा है, वोट दे रहा है, उसका क्या करेंगे? हाँ। उस जनता के बारे में आपका क्या विचार है? मेरा विचार बड़ा सह वो है, क्योंकि उसे मूर्ख बना दिया गया है और उसे ये लगता है कि सभी राजनेता एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, इक्वली धूर्त हैं, तो उसे लगता है जो कुछ मिल रहा है उसी को ले लो यार, ये नहीं, कारण है। मगर भाई साहब दारू मुर्गा के बदले में उसने खाली लिया नहीं, हाँ दिया, हाँ हाँ उसने अपने बुद्धि को तो दिया ना लेने के बाद में। तो इसका मतलब जो सबसे ज्यादा दारू पिलाएगा, सबसे ज्यादा मुर्गा खिलाएगा, उसको हम वोट दे के नेता बना देंगे। तो अगर ऐसी व्यवस्था आज की तारीख में चल रही है तो हाँ उसका क्या होगा? यही चल रही है, उसको वो कत्ल की रात भी कहते हैं। अरे महाराज, लेकिन इसको कैसे, देखिए इसमें जनता का कसूर नहीं है। देखिए जनता रिसीविंग एंड पर है, उसे जो है गरीब बनाकर, उसे दारूखोर बनाकर, उसके अंदर का आत्मसम्मान खत्म कर दिया है। वो जिसको आप आम जनता कह रहे हैं, वो मर्यादाहीन खुद की जो है उसे अपना वो नहीं है, वो उसकी जो अपना जो कहना चाहिए हीन भावना से ग्रसित है और उसकी जिंदगी एक कीड़े मकोड़े जैसी हो गई है। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है और उसको ठीक कैसे करेंगे आप? उसका जिम्मेवार जो है ये राजनेता हैं। आप जो है इकोसिस्टम को बदल दीजिए, कोई व्यक्ति गरीब नहीं रह जाएगा। जो जैसा गुरुजी ने कहा है, जय गुरुदेव जी ने, कि ऐसा सिस्टम होगा कि आप, क्योंकि पेपर करेंसी नहीं होगी, डिजिटल करेंसी होगी, तो सिस्टम को मालूम होगा कि तुम नहीं कमा पाए हो, तो वो आपको पैसा आपके पास पहले भेजेगा और फिर टीम भेजेगा कि भाई आप पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हो, हम आपको पैसा कमाने का सिस्टम देते हैं। तो भारत का हर नागरिक जो है, कोई भी व्यक्ति जो है, बिना काम के नहीं होगा और काम की भी क्वालिटी होगी और उसमें कहीं पाप नहीं होगा। जैसे अभी क्या हो रहा है कि हम व्यवसाय कर रहे हैं, झूठ बोल के जो है कहते हैं कि हम पैसा दे देंगे, पैसा नहीं देते हैं, तो वो पूरे साइकिल को आप खराब कर देते हैं। जो आपकी चेक है वो बाउंस हो जा रही है, फिर आपकी कोई चेक बाउंस नहीं होगी, हमने क्या कहा आपकी आसान आपकी चेक का भुगतान होगा और वो आपके खाते में ऋण जैसा आपके उसमें पहुंच जाएगा ऑटोमेटिकली, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई साहब आप कमा नहीं पा रहे तो आपने ऐसा क्यों किया है। चलो कोई बात नहीं, अब बैठते हैं कि आपको कमाने के लिए हम कैसे सक्षम बनाएं। तो अभी क्या होता है, हम उल्टा करते हैं, हम उसका अकाउंट सीज कर देते हैं, ये कर देते हैं, तो जो थोड़ा बहुत भी वो कमा रहा है वो कमाने की स्थिति में खत्म हो जाता है। अब जो है सिस्टम कमाने के लिए उसे इनेबल करेगा, तो ये अधिकारी हैं, ये इनको ये अधिकार नहीं होगा कि अकाउंट सीज कर दें उनका। महाराज, हमने सवाल कुछ अलग किया, आपने जवाब कुछ अलग समझा रहे हैं। अच्छा बताइए, आपका प्रश्न फिर से दोहरा दीजिए यदि हमने प्रश्न नहीं पकड़ पाया आपका। तो
मैंने वही मैंने कहा कि अगर हमारे देश की जनता जो है शराबखोर मांसखोर हो गई तो इसका क्या इलाज है? इसका ये इलाज तो मैं बता रहा हूं कि इकोसिस्टम बदल दिया जाएगा, उसके एहसास को बदल दिया जाएगा। जब आप जगह जगह पे संगोष्ठी करेंगे तो उसके अंदर की वो हीन भावना खत्म कर दी जाएगी। उसे ये मालूम पड़ जाएगा कि अब जो है गुलामों वाले नियम कानून व्यवस्था बदलने वाली है। अब भारत में कोई जो है ना गरीब नहीं रह पाएगा, भारत भारत में कोई भूखा नहीं मरेगा, और उसे जो है ना किसी की 500 200 की कोई वो नहीं मिलेगी। एक मर्यादा के तहत जितना जो है ना पैसा मिलना चाहिए वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, और जिसको पास पैसा मिलेगा उसके पास व्यवस्था पहुंचेगी कि भाई साहब अब अपन बैठते हैं साथ में, आप पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, और सिस्टम उसको इनेबल करेगा। आप एक चीज बता सकते हैं कि ये शराब पीने वालों में या मांस अंडा खाने वालों में सबसे ज्यादा संख्या किस लेवल की है? ज्यादा गरीब लोग हैं जो कि बेकार, मतलब उसके दारू पी के पड़े हुए हैं, विशेष तौर पे मजदूर लोग हैं। आज तो जो है दारू जो है गली गली कोने कोने में पहुंच गई है। जो मजदूर हैं वो खाना खाना बंद कर दिए हैं, वो पाउच पीते हैं और नमकीन खाते हैं, और उनका शरीर जो है ना काम करने लायक नहीं बचा हुआ है, उनका शरीर जर्जर हो गया है। वो जो है मजदूर हैं, और मजदूर होने के बावजूद भी उनमें इतनी शरीर में ताकत नहीं है कि मजदूर की नियत जो समय है 7 घंटे उसमें वो मेहनत कर लें, ये उनका शरीर मेहनत करने की क्षमता खो दिया है। लेकिन ये सब चीजें बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में जो है ना ये व्यवस्था को और इस स्थिति को परिवर्तित किया जा सकता है। तो उसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, केवल इकोसिस्टम बदलने की जरूरत है, केवल इकोसिस्टम बदलने की जरूरत है। किसी की सोच चाहिए, किसी का तरीका चाहिए, और अपन ने तो ये पूरी 21 चीजें सोच के रखी हुई हैं। भारत में कोई व्यक्ति अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, किसानों की आमदनी जो है ना 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी। आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा, जैसा जय गुरुदेव जी ने कहा है कि सिस्टम आपके पास पहुंचेगा, किसी को भूखे नहीं मरने देगा। तो सिस्टम सिस्टम हाँ बहुत से लोग हमसे बातें करते हैं कि जी भाई बड़ी हालत खराब है, जी तो हम कहते हैं कि मुर्गा मटन मच्छी अंडा दारू लेते हो कि नहीं? तो बोलते हैं कहाँ ले रहा हूँ, हफ्ते महीने में 2 4 बार 1 बार हो जाता है। तो हम कहते हैं जब बोल रहे कि हालत खराब है, मतलब इनकम उतनी नहीं है, तब आप कभी हफ्ते में लेते हो कभी महीने में लेते हो। जब आपके और हालत अच्छे हो जाएंगे तब तो डेली आप जो है वही इस्तेमाल करोगे। नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आइकॉन जो है दारू पीने वाले बना दिए हैं। जो है उन्हीं उन्हीं उन जो जो दारू पीने वाले हैं, गुटखा वाले हैं, उनको जो है ना आप प्रमोट कर रहे हैं। आप जो है आपको मालूम है कि तंबाकू खाने से जो है ना कैंसर हो रहा है, और उनकी जो है ना आप घृणित तस्वीर तो छाप दे रहे हो, लेकिन नियम कानून क्यों नहीं बना रहे हो? क्यों जो है ना उसी उसके जो है ना उसके टैक्स के पैसे को जो है ना आप महत्व दे रहे हैं? हम एक तो चीज और आपको मैं बता रहा हम तो उल्टी बात कह रहे हैं कि हम आपको टैक्स फ्री कर देंगे और देश के डेवलपमेंट के लिए हमारे पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। तो हमारे हमारे हूँ, माननीय जैसे आपको प्रधानमंत्री जी बताऊं को तो हमारे मन, हम हमारे आपको दूसरा हमारे चीज माननीय बताता हूँ। प्रधानमंत्री जी ये बात क्यों नहीं सोच पा रहे हैं, जब मैथिलीशरण जैसा छोटा इंसान ये बात सोच पा रहा है? तो नहीं, अभी आपने जो कहा ना, अभी मैंने जो कहा कि भाई इस तरह से वो पी खा रहा है, तो हमने उसको ये जवाब दिया। आप कह रहे हैं कि जब वो उसका इनकम ज्यादा अच्छा हो जाएगा तो वो नहीं पिएगा खाएगा। क्योंकि उनके सामने आइकॉन बदल दिए जाएंगे, क्योंकि उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा, क्योंकि उन्हें हेलो, अरे महाराज कुछ नहीं कर सकते, एक बात अरे बताता सब हूँ कुछ मैं आपको। सब कुछ नहीं हो सकता सुनिए, है आप। नहीं अरे सुनिए तो मैं बता रहा हूँ ना भाई साहब, जैसे कि एक सब जमाना था कारपेट हमारे हिंदुस्तान में टॉप लेवल में चलता था, और उस टॉप लेवल के कारपेट में भदोही, खास तौर से बनारस जिला वो माना जाता था, तब भदोही जिला नहीं था। तो भदोही जो है, बनारस जिला जो है, और इंडिया लेवल पे टॉप लेवल में चलता था, और पूरे हिंदुस्तान में जो कारपेट चलता था, बनाने से लेके धागा बनाने से लेके बनाने से लेके और बाहर भेजने तक का पूरा बिजनेस जो है मुस्लिम भाइयों के हाथ में था। हाँ, गिने चुने उसमें हिंदू थे, बाकी सब मुस्लिम थे। और वो जो मुस्लिम कारपेट का टॉप वन लेवल में चल रहे थे, वो लोग जो है ये रहर की दाल और सब्जी, रहर की दाल को नाम को उन्होंने बेशर्मी का दाल कर, क्योंकि दाल उन्होंने कहा एक खाने का ही नहीं है, अरे अन्न मतलब रोटी चावल से जो है दाल सब्जी खाओ ये क्या हो गया, अन्न से अन्न थोड़ी खाया जाता है।
उन्होंने ये सब खाना बंद बोला कि नहीं, आलू से आलू नहीं खा रहे हैं, केवल कभी एक टाइम मुर्गा खाओ, एक टाइम बकरा खाओ, एक टाइम अंडा खाओ, मतलब ये अन्न से अन्न नहीं खाना है। बहुत सालों तक चला ये, लेकिन भगवान का ऐसा चमत्कार हुआ कि पूरा कारपेट जो है ध्वस्त हो गया पूरे इंडिया से, नाम मात्र का चल रहा है, और जितने कारपेट वाले थे सब लगभग बेरोजगार हो गए हैं, गिने चुने लोगों का चल रहा है, वो केवल जीने भर के लिए चल रहा है। तो अब सब लोग जो है दाल सब्जी चावल रोटी सब खा रहे हैं। तो वो स्थिति क्या थी? वो स्थिति वही थी कि वो टॉप लेवल का इनकम था, तो बोले कि हमारा जो है मुर्गा मटन अंडा मच्छी यही चलेगा, बाकी और कुछ नहीं, मतलब एक डिश ये रहेगा, बाकी उसके साथ रोटी और चावल रहे वो बात अलग है। भाई साहब, ये सोर्स ऑफ इनकम टॉप लेवल की हो जाए सबकी ना, तो जो आज जो है हफ्ते महीने में मांस खाने वाले हैं, रेव दोनों टाइम तीनों टाइम वही खाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। फार्मूला हो बताइए ना। हमारा फार्मूला ये है कि जब आप ज्ञान को बांटोगे, जब आप ये समझा पाओगे कि इससे ज्यादा प्रोटीन और इससे अच्छी चीज होगी, अभी जो है ना, जो 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 एडवर्टाइजमेंट और उसके जरिए से जो है उनको जो है वो किया जा रहा है। जब हम आपको कहेंगे कि आप जो है ना हिंसा कर रहे हैं, जब आप ये सब कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो गाय जो आपकी जमीन को उर्वरक और उपजाऊ बनाने की क्षमता रखती है, उसको आप काट के खा रहे हैं, तो इससे बड़ा और कोई पाप नहीं हो सकता है। तो ये बात तो देखो हमें आइकॉनिक वैल्यू रखने वालों को बताना पड़ेगी, और उसके दुष्परिणामों को भी बताना पड़ेगा, और हमें उसे इकोसिस्टम का आइकॉनिक तरीके से, जैसे ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ऐसे ही उस आइकॉनिक चीजों को जो है ना जब आप पहुंचाएंगे और उसको उसको जो है ना बताया जाएगा कि साहब ये ऐसा है, तो वैल्यू बदल जाएगी। अभी आप जो है ना दारू के गिलास को टकराते हैं और उसे आप बड़ी चीज के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, उसी में आप उल्टा कर दीजिए। अभी आप जो है गुटखा खाते हैं और गुटखे वालों को जो है ना आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप फिर अच्छी चीजों के लिए प्रोजेक्ट करोगे। ये वो तो राजनीतिक एडवर्टाइजमेंट में सरकार की तरफ से होगा, उस लेवल में पहले जाएंगे तब उस चीज को हम आप कर सकते हैं ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसकी कुंजी जो है जाती है 70 साल में हम लोगों ने मिडिल क्लास से लेके नीचे के लोगों को यही समझा के तो सुधारा है। मैं तो सुधारने की बात बाद में कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ इस इकोसिस्टम को हम पार्लियामेंट के मंदिर से बदलें, हम उन नियम कानून और पार्लियामेंट के रास्ते पे चलना है। तो वो उसी का मॉडल तो बताया है कि हम जो है चंद्रगुप्त बने, खुद चंद्रगुप्त बने, और वो चंद्रगुप्त जो है जो सबसे ऊंचे वाले चंद्रगुप्त बनेंगे, जो 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोटेंगे, उनके पास टिकट खुद चल के चला पहुंच जाएगा, फिर उनको जो है 100 करोड़ से ज्यादा लोग जो है थाली बजाकर दीपक जला के और थाली बजाकर उनको खुद जो है ना जिताएंगे, उनके नाम पे संकल्प लेंगे, तो आप बिना 5 पैसे खर्च किए बन जाएंगे। तो पहुंच गए ना आप, ये बड़े से बड़े 4-4, 5-5, 6-6 बार जो विधायक सांसद मंत्री और मुख्यमंत्री रहे हैं, ये ताश के पत्तों जैसे ढह जाएंगे, ये अभी विश्वास नहीं हो रहा है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ी सभाओं की बजाय हम 1-to-1 कम्युनिकेशन में घुसें, और वो घुसने का भी तरीका जो बताया गया है कि अपने परिवार को जोड़ो, पहले अपने बच्चे उनको पड़ोसियों को जोड़ो, मित्रों को जोड़ो, रिश्तेदारों को जोड़ो, अपने जो है सर्कल के लोगों को जोड़ो, विद्यार्थियों और युवाओं को जोड़ो, वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ो, समाज सेवा के जो संगठन में लोग लगे हुए हैं उनको जोड़ो। जब आप चारों तरफ से जो है 100 करोड़ के ऊपर होंगे, और जो ऐसे धनुर्धारी हनुमान स्वरूपी चंद्रगुप्त जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उनके पास टिकट खुद पहुंचेगा, और वो बिना 5 पैसे खर्च किए खुद जीत जाएंगे, तो वर्तमान की दुष्ट व्यवस्था जो है ना वो अपने आप ध्वस्त हो जाएगी। क्योंकि हम 1-to-1 जुड़े होंगे, हम 1-to-1 वो करेंगे। अज्यूम करिए कि यदि हम इस बात को जो नौदन का आकलन है, अभी प्रॉब्लम तो ये हो रही है ना कि हम दुष्टता पूर्वक जुड़ भी जा रहे हैं तो अपने संकल्प की पूर्ति नहीं कर रहे हैं। तो आपके जुड़ने से आप गलत दिन पे जुड़ गए हैं। आप यदि 9वें दिन जुड़ते तो आपको किसी को नहीं जोड़ना था, अब आप दुष्टतापूर्वक 1st दिन जुड़ गए तो आपने फिर गड़बड़ कर दिया है, राइट। तो एनीवे जुड़ 9वें दिन तो कोई बात नहीं, अपन मान लेंगे कि वो 9वें दिन वाले हैं, लेकिन जो पहले दूसरे तीसरे दिन के 4थे दिन और 5वें दिन के जोड़ने वाले लोग हैं, उन तक हम पहुंचे, उन्हें जोड़ें,
और जो सबसे अधिक लोगों को जोड़े ऐसे 543 व्यक्तियों को, क्योंकि उनमें एनर्जी भी होगी, नेतृत्व करने की क्षमता भी होगी, वो गले गले गली गली पे जाएंगे और वो इन 21 उद्देश्यों को बारे में समझाएंगे लोगों को, तो वो 21 उद्देश्य इतने दिनों में उनके जेहन का हिस्सा बन जाएंगे, सोच का हिस्सा बन जाएंगे, लक्ष्य का हिस्सा बन जाएंगे। तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वो उन चलिए लक्ष्य अच्छा चलिए फिर हाल चाल लेते हैं। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव। जय